तो खेती तो आम आदमी करता है जी। अब आपको यहां बुलाया गया सुझाव देने के लिए, तो आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये अरे भारत है ना जी, अब बोलिए अभी बिहार है ना, तो इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल ये हो क्या गया है। जब से कोरोना आया है आई तब से एक एक चीज जो हो गया है तो सब मोबाइल पर देखने लगा है, तो सब अपना पुरानी भाषा को भूल रहा है। बार सबको समझाए क्या बात है, बिना मतलब कोई जो लिखता है आजकल बिना मतलब का लिखता है, लिखना चाहिए मतलब एक बार मना करती है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर अंग्रेजी से इतनी नफरत क्यों है? हमेशा वो अंग्रेजी बोलने पर टोका टोकी करते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, बिहार के बच्चे यदि इंग्लिश नहीं सीखेंगे, इंग्लिश नहीं बोलेंगे, चलिए सीखने की तो बात छोड़ दीजिए कि लिखने में थोड़ा कमजोर भी हो, लेकिन यदि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें तो इसमें क्या कहीं से गलत है? जी हाँ, बिहार के बच्चे, बिहार के युवा बाहर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं, और यदि वहाँ की लोकल भाषा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज उन्हें समझ में नहीं आती है और वो अंग्रेजी में बात करें, तो फिर नीतीश कुमार को इससे परेशानी क्या होती है? नीतीश कुमार आखिर क्यों बिहार के बच्चों को अंग्रेजी बोलने से रोक रहे हैं? और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ भी अंग्रेजी के बोर्ड से लेके जो कुछ भी नीतीश कुमार देखते हैं उसे कहते हैं इसे उतारिए। मैंने मना कर दिया है कि बार बार कि जो कुछ भी होगा बिहार है हिंदी में होना चाहिए, हिंदी को बढ़ावा मिलना चाहिए। यानी कि बापू भी, महात्मा गांधी भी हिंदी के समर्थक थे, लेकिन क्या बापू अपने जमाने में उस समय चिट्ठियां अंग्रेजों को जो लिखते थे क्या वो हिंदी में लिखते थे? चर्चा तो इस पर भी होनी चाहिए। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं, नीतीश कुमार के इंग्लिश का जो उनके ऊपर एक नफरत का बुखार है कि इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, उसकी कुछ बानगी आपको दिखाते हैं। बांका में एक जगह नीतीश कुमार पहुंचे, वहां कंप्यूटर रूम या कंप्यूटर लैब इंग्लिश में लिखा था, नीतीश कुमार गर्मा गए, तुरंत अधिकारियों की क्लास लगा दी कि मैंने बार बार कहा है ना, तस्वीरें जरा आप देखिए। बार सबको समझाए क्या बात है, बिना मतलब कोई जो लिखता है आजकल बिना मतलब का लिखता है, सब बकवास कर रहे हैं। अंग्रेजों का राज है, देश आजाद हो गया तब भी तुम्हारा हिंदी खत्म कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता, सब चीज लिख दिया। किसानों का सम्मेलन हो रहा था, किसानों के सम्मेलन में एक किसान जो पढ़ा लिखा किसान होगा, निश्चित तौर पे पढ़ा लिखा किसान, अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। अब सोचिए, एक तो नीतीश कुमार को इस बात का बड़ा मने प्राउड होना चाहिए था उस समय कि हमारे बिहार का किसान भी अंग्रेजी में बोलता है, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे टोका कि भैया किसानी करने वाले तो जो हैं वो आम जन के लोग हैं, जरा हिंदी में समझाइए अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। देखिए उस समय किस तरीके का दृश्य उत्पन्न हो गया था, ये भी हम आपको दिखा दें। खेती तो आम आदमी करता है जी। अब आपको यहाँ बुलाया गया सुझाव देने के लिए, तो आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये अरे भारत है ना जी, अब बोलिए अभी बिहार है ना। देख लिया आपने, ये किसानों की सभा सम्मेलन एक हो रहा था, उसमें नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में थे और वहां उन्होंने टोका उसे। इसके पहले इंडिया गठबंधन की जितनी भी बैठकें हुई, पटना से लेके और कह लीजिए बैंगलोर मुंबई में, नीतीश कुमार हिंदी में बोलते थे, लेकिन जब 28 पार्टियों के नेता जुटेंगे, देश के तमाम राज्यों से जुटेंगे,
बहुतों को हिंदी समझ में नहीं आती है तो इंग्लिश में अनुवाद करना पड़ता है। तो नीतीश कुमार जब मीटिंग चलती थी और इंग्लिश हिंदी बोलते थे तो इंग्लिश का अनुवाद उनके ट्रांसलेटर के रूप में राजद के राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने हमेशा किया। ये सूत्रों की खबर है, मनोज झा ही ट्रांसलेट करते थे, चाहे पटना में हो, बैंगलोर में हो, मुंबई में हो। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब दिल्ली की बैठक में नीतीश कुमार ने बोलना शुरू किया तो तमिलनाडु के नेता बालू ने कहा कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाए। नीतीश कुमार भड़क गए, ताकि ना हिंदी पट्टी राज्य है, हिंदी सबको जाननी चाहिए। मनोज झा ने एक तरह से इशारा भी किया परमिशन के लिए कि क्या आपका यदि आदेश हो तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो उन्होंने मना कर दिया। भड़क गए एकदम वहां पे। उस समय अंदर की तस्वीरें हमारे पास नहीं हैं क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही थी। भड़क गए नीतीश कुमार, नो हिंदी तो हिंदी। लेकिन उसके बाद ही, नीतीश कुमार के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने जो अपना संबोधन दिया कि उनकी क्या राय थी, अपनी जब राय बताई, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली, जहां कह लीजिए कि 80% 90% से ज्यादा आबादी बाहर की रहती है, अरविंद केजरीवाल ने अंग्रेजी में बोला, नीतीश ने कुछ नहीं कहा। तो आखिर नीतीश कुमार को इंग्लिश से इतनी नफरत है क्यों? ये समझ से परे है। नफरत का कारण क्या है यह भी समझ से परे है। और यदि बिहार के बच्चों का भी, हमने स्कूल के बच्चों का एक सर्वे आपको दिखाया था, जब हमने बच्चों से पूछा कि क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, सबने कहा था हाँ हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। हमने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा था कि ना सरकारी नहीं करना चाहते, प्राइवेट करना चाहते हैं। फिर नीतीश कुमार को अंग्रेजी से क्यों नफरत है? बिहार के बच्चों को ये क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी बोलिए, हिंदी तो आपकी मातृभाषा ही है, उसे कौन छीन रहा है आपसे? तमिलनाडु की भी एक तरह से कह लीजिए तो मातृभाषा हिंदी ही है, राजस्थान की भी मातृभाषा हिंदी ही है। देश की जब मातृभाषा हिंदी है तो वो तमाम राज्यों की भी मातृभाषा हिंदी हुई, भले उनकी क्षेत्रीय भाषा जो स्टेट है उसका अलग अलग हो सकता है। नीतीश जी चाहते क्या है फिर, ये समझ से परे है। लेकिन इस पर आवाज निश्चित तौर पर उठने लगी है कि नीतीश कुमार को अंग्रेजी से नफरत क्यों है। यदि आपके पास इसका जवाब है कि नीतीश कुमार को अंग्रेजी से नफरत क्यों है, तो हमें निश्चित तौर पर लिखकर बताएं, हम खोजेंगे कि आखिर नीतीश कुमार को अंग्रेजी से नफरत क्यों है।